नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे दंगल टीवी और कलर्स टीवी का सुपर नेचुरल शो। आखिर ये दो शो में क्या कुछ है सिमिलैरिटी, और इस शो के दंगल टीवी के शो के अप्रोमो रिलीज होने के बाद आखिर फैंस को ऐसा क्यों लगने लगा है कि अब एकता कपूर का दबदबा खत्म हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ इश्क की दास्तान नागमणि शो, जिसका पहला प्रोमो रिलीज हो गया है दंगल टीवी पे। इस शो के बारे में हमने आपको पहले भी जानकारी कि स्टार कास्ट से आपको रूबरू करवाया, तो आप आई बटन पे वो वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे आखिर इन दोनों शो में क्या कुछ है सिमिलैरिटी, और आखिर फैंस को क्यों ऐसा लगता है कि नागमणि शो नागिन के पिछले सीजन और नागिन के इस सीजन से भी बेस्ट शो होगा। दरअसल इसके पहले प्रोमो की अगर हम बात करें तो पहला प्रोमो काफी इंटरेस्टिंग था। विजुअल इफेक्ट्स इस शो में काफी अच्छे दिखाए गए हैं, जो कि लोगों को नागिन के सीजन 6 से भी ज्यादा इंप्रेस कर रहा है। इसके अलावा एकता कपूर के इस शो को कड़क टक्कर मिलने वाली है, ये फैंस का मानना है, और ये चीजें तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है। शून्य स्क्वायर प्रोडक्शन का ये शो कड़ी टक्कर देने को तैयार है। अब नागिन के सीजन 6 और नागिन का दबदबा कहीं ना कहीं डगमगाएगा, और एकता कपूर की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। इश्क की दास्तान नागमणि में आपने पहला जो प्रोमो देखा, इसके अंदर आपको आलिया घोष की जिस तरीके से एंट्री दिखाई गई है, इससे भी फैंस काफी एक्साइटेड हैं। इनके अलावा इस शो में पवित्रा पुनिया जैसी फाइनेस्ट एक्ट्रेस भी आपको देखने को मिलेंगी, और कई सारे ऐसे कलाकारों को कास्ट किया गया है जो कि फेवरेट हैं फैंस के। इसके चलते ये शो एक अच्छा लाइमलाइट क्रिएट कर सकता है, फैंस का ये मानना है। इसके अलावा इस शो में कई सारी सिमिलरिटी नागिन के अलग अलग सीजन से और नागमणि में आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी कई सारे आपको इच्छाधारी नाग नागिन नेवले के कैरेक्टर को आपको दर्शाया जाएगा, जो कि कलर्स टीवी पे आप देख रहे होंगे। अभी फिलहाल जो नागिन का सीजन 6 आ रहा है, इसमें भी हाई वोल्टेज ड्रामा चलाया जा रहा है, और ऐसा ही कुछ आपको नागमणि में देखने को मिलेगा। बट इट्स डिफरेंट, ऐसा देख के तो बिल्कुल लग रहा है कि ये बहुत ही अलग तरीके से डिफरेंट होने वाला है। वेल, आप इन दोनों शो में से किस शो को सबसे ज्यादा पसंद करोगे, और क्या लगता है आपको, क्या सचमुच नागिन के सीजन 6 को और एकता कपूर के इस ब्रांड को कड़ी टक्कर दे पाएगा शून्य स्क्वायर प्रोडक्शन का ये शो इश्क की दास्तान नागमणि? आपने अगर इसका प्रोमो देखा है तो हाउ मच डू यू लाइक दिस, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।